है प्रॉफिट और लॉस पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। क्या लिखा हुआ बच्चों लोग? प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन अनदर पॉपुलर टॉपिक और बहुत ही आसानी से आपसे बन जाएगा। अभी तक अपन दो बड़े बड़े ब्रांच और सिंगल एंट्री कर लिए, तो अब इसकी औकात नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कर लिए, ठीक है। ब्रांच का खाली हूँ बच्चा ना, इंडिपेंडेंट ऑफ फॉरेन ब्रांच, ठीक हो जाएगा, टाइमिंग लगेगा। तो आप लोग सिंगल एंट्री को एक बार और रिवाइज कर लेंगे, उससे क्या होगा आपका ब्रांच और डिपार्टमेंट आसानी से बन जाएगा, ठीक। और उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम भी आपसे आसानी से बन जाएगा। तो इसको अपन कंटिन्यूटी में फिर खत्म कर देंगे। अभी मेरा ये व्यू है, चार पांच छोटे छोटे चैप्टर खत्म कर देता हूँ, तो थोड़ा लगेगा नहीं यार, अकाउंट का काफी कुछ सिलेबस गया, ठीक। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन मैनेज होता है, सर प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन होता क्या है और इसके लिए अपने को क्या बनाना पड़ेगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा मिस्टर परमेश थानवी, ये उसका एक बिजनेस है और वो बिजनेस है प्रोप्राइटरशिप। कौन सा बिजनेस है वो? प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है? टीएस पार्टनरशिप नहीं समझना इसको, प्रोप्राइटरशिप समझना है, ठीक है। तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है और ये चाहता है क्या प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करूं, मेरे को कंपनी बनाने का है। क्या बनाने का है? या फिर हमारा परमेश थानवी चाहता है कि कोई एग्जिस्टिंग अगर बिजनेस है उसको खरीद करके मैं कंपनी बना लूं। क्या बना लूं? या तो मैं अपने एग्जिस्टिंग फर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर दूं, या तो मैं किसी फर्म को खरीद करके क्या करूं, मैं कंपनी बना लूं। तो क्वेश्चन अराइज होता है क्या परमेश थानवी अपना बिजनेस को क्लोज करके रखेगा जब तक कंपनी नहीं बनेगी? नहीं, बिजनेस को चलने देगा। तो क्या परमेश की कंपनी बन जाएगी तो वो कंपनी का पूरा एसेट लायबिलिटी हो जाएगा? तो जब तक के जो ट्रांजेक्शन होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर 1 अप्रैल को इसने क्या किया, बिजनेस एक्वायर किया और 1 जुलाई को इसकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ, तो कंपनी तो हमारा ट्रांजेक्शन कंटिन्यू चल रहा है। क्या हो रहा है? ट्रांजेक्शन तो बंद करेंगे नहीं अपन, कंटिन्यू ट्रांजेक्शन चलने देंगे, परचेज सेल वगैरह। तो क्वेश्चन अराइज होता है सर कंपनी का एग्जिस्टेंस अलग होता है और प्रोप्राइटरशिप का एग्जिस्टेंस अलग होगा, तो और हम लोगों ने जो ट्रांजेक्शन किए पूरे साल भर ट्रांजेक्शन किए है, तो आप कैसे करें इसको? आया क्या समझ में? कि अभी परमेश थानवी ऑनर है, उसने अपने एग्जिस्टिंग प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म को क्या कर दिया, कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। कंपनी रातों रात नहीं बनती है, टाइम टेकिंग है, आपको लीगल फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, तब जाके आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलता है। है समझ में? तो आप क्वेश्चन अरेज होता है इसका बिजनेस तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक पूरा हुआ सर, इस साल कंपनी का एग्जिस्टेंस अलग है, प्रोप्राइटर का अलग है, अब कैसे कर रहे हम लोग? हाँ वैसे भी कर सकते हैं, 1 अप्रैल से लेकर के आपका 23 जून तक का प्रोप्राइटर को क्लोज करके अलग कर दो, कंपनी का बना के अलग कर दो। ये पहला तो एक हुआ, पहला तो एक तरीका। दूसरा तरीका नाम चैप्टर का नाम पड़ जाए सर, की शुरुआत से कंपनी को मानो। हाँ, और फिर जो भी खर्चे होंगे उसको प्री इनकॉर्पोरेशन मान के चलो। हाँ, फिर टैक्स में पड़ेगी प्री इनकॉर्पोरेशन को 5,000 क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा आपने पूरे साल भर की अकाउंटिंग की, गाय किए, कंपनी बनने का पहले का क्या हो गया आपका प्री, और कंपनी बनने के बाद का जो होगा उसको क्या बोलेंगे अपन पोस्ट। तो सर हमारा जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हुआ है ना, उसमें कंपनी बनने के पहले का क्या है आपका प्री और बाद का क्या है पोस्ट। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है जो भी इनकम एक्सपेंसेस वगैरह है उसका अपन अपोर्शनमेंट कैसे करें। आप अगर मैं अपना बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज नहीं कर रहा हूँ, प्रोप्राइटरशिप का अलग से क्लोज नहीं कर रहा हूँ, कंपनी का अलग से क्लोज नहीं कर रहा हूँ, दोनों को ऐसा साथ में मिला के अगर क्लोज करना चाह रहा हूँ, तो आप क्वेश्चन अरेंज होता है प्रोप्राइटरशिप का कितना और कंपनी का कितना, कितने का प्रॉफिट कमाया प्रोप्राइटरशिप, कितने का प्रॉफिट कमाया कंपनी। तो उसके लिए मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का। क्या बनाना पड़ेगा? तो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है सर मेरे को अपोर्शन कैसे करना है, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट का पोर्शन कैसे करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकम का प्रोपोर्शन कैसे करना है टाइम के बेसिस पे। हाँ, टाइम के बेसिस पे, टर्नओवर के बेसिस पे करना है। हाँ देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, सर टर्नओवर के बेसिस पे कर सकते हैं, टाइम के बेसिस पे कर सकते हैं। हाँ और अभी 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 डायरेक्टर, अरे सुनो सर, अभी डायरेक्टर का रेमुनरेशन दिया तो कौन से बेसिस पे, टाइम बेसिस पे करेंगे।
डायरेक्टर रेमुनरेशन कंपनी को देते हैं तो प्रोप्राइटरशिप भी बियर करेगा, प्रोप्राइटरशिप को जो सैलरी देंगे उसको कंपनी भी बियर करेगा नहीं, नहीं करेगा, वो एक्चुअल बेसिस पे होगा, एक्चुअल जिसका जितना खर्च है। हाँ ऑनलाइन, हाँ चालू है। नेहा का क्या हो गया? ठीक, अभी आप कैसे करें? बहुत कंफ्यूजन हो गया सर, अबे टाइम बेसिस हो गया है, उसके बाद टर्नओवर का बेसिस हो गया, फिर एक्चुअल प्रोपोर्शन भी हो गया, अभी कैसे करने का? और कहानी भी कुछ कुछ हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अप्रैल 1 से मेरा प्रोप्राइटरशिप था और 23 जून तक था प्रोप्राइटरशिप मेरा, उसके बाद क्या बन गई मेरी, 1 जुलाई से कंपनी बन गई। आप यहाँ पर सेप्टेम्बर में मैंने एक गोडाउन और ले लिया, अब गोडाउन का रेंट अलग से दे रहा हूँ, अब उसका खर्चा कैसे करूँ? तो पूरे साल भर का खर्चा प्री पोस्ट में डाल देते हैं पोर्शन। टाइम के बेसिस पे कर देते, ग्रॉस प्रॉफिट को टाइम के बेसिस पे कर देते। पहले मेरा टर्न ओवर था 6 लाख रुपए का, बाद में टर्न ओवर 20 लाख का, तो 26 लाख में से जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा सब टाइम के प्रोपोर्शन में, 3:9 के रेशियो में। प्रॉफिट को तो टर्नओवर बेसिस पे करना पड़ेगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आदित्य, सही बोले, प्रॉफिट को तो टर्नओवर बेसिस पे करेंगे सर, जैसा सेल करते हैं वैसा तो प्रॉफिट कमाएंगे। हाँ तो देगा ना, क्वेश्चन देगा हल्का सा, आपको थोड़ा हिंट करेगा कि आप टर्नओवर कैसे करते हैं। तो अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने को यह देखना बच्चा लोग कि हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट एक्सपेंसेस का अपोर्शनमेंट कैसे करेंगे। तो आप उसका अपोर्शनमेंट होने जा रहा है, ये रहा आपके स्क्रीन पर, ग्रॉस प्रॉफिट को आपको अपोर्शन करना है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को ऑन द बेसिस ऑफ सेल रेशियो या टर्नओवर रेशियो के बेस पे क्या करोगे आप, अपोर्शन कर दोगे। आपको क्वेश्चन में देगा कि आपका टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर कैसे हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका देगा, बोलेगा भैया कंपनी बनने के पहले ना आपका टर्नओवर क्या था, सिंगल था और उसके बाद डबल हो गया, तो अप्रैल मई और जून यहां पर सिंगल सेल था 1, 1, 1, जुलाई से क्या हो गया आपका डबल सेल हो गया, कितने में ना, तो ये कितने का रेशियो आ गया, हो सकते क्या? तो मेरा सेल रेशियो क्या हो गया 1:6 आया, क्या समझ में? हाँ जी, हाँ मतलब कंपनी बनने के बाद डबल सेल हो गई। अभी ऐसा भी बोल सकते हैं सर हम लोगों ने कंपनी बनाई थी अप्रैल में, कब बनाई थी अप्रैल में, क्या बनाई थी कंपनी बनाई थी, और मेरा बिजनेस स्टार्ट कब से हुआ था, जनवरी से स्टार्ट हो गया था मेरा बिजनेस, खरीद लिया था मैंने और अप्रैल में मेरी कंपनी बनी थी और वो 31 मार्च तक गए, टोटल कितना महीना हुआ, 15 महीना हो गया, ठीक है। अबे सर मेरा टर्नओवर ना 30 सितंबर तक का सिंगल था सर, 30 सितंबर तक कितना था, सिंगल था, उसके बाद क्या हो गया डबल, तो मेरा टर्नओवर रेशियो क्या आएगा प्री एंड पोस्ट का, जल्दी निकाल के दो। 30 सितंबर तक मेरा सिंगल टर्नओवर था और 30 सितंबर के बाद मेरा डबल टर्नओवर हो गया, तो मेरा टर्नओवर का रेशियो, आवाज क्लियर आ रही मेरी, आवाज नहीं आ रही क्लियर, सिंगल मतलब 1 लाख का सेल था मान लिया और सितंबर के बाद से मेरा 2 लाख का सेल हो गया, तो प्री एंड पोस्ट का टर्नओवर रेशियो कितना है जल्दी दो मेरे को, 9:3:4 एवरीबॉडी मेरे को लुगना निकाल रही है, सॉरी। अभी जनवरी से लेकर के पूरे 31 मार्च तक का देखना है, पूरा 15 महीने का 3:4 रहेगा। हाँ देखो अब देखते हैं, जनवरी से अप्रैल, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल यहां तक का मेरा क्या हो गया प्री, आप जनवरी फरवरी मार्च सॉरी नहीं बेटा जी, वो एक्सीडेंट मैंने करवा दिया बेटा जी आपको करवा के, ताकि आप नेक्स्ट एक्सीडेंट आप नहीं करें, ठीक है। तो मेरा प्री कब था बेटा जी, कंपनी कब बना मेरा, अप्रैल में बना, बोला मैंने कब बना, तो जनवरी फरवरी मार्च आप
अप्रैल से लेकर के पूरे 31 मार्च कितना हुआ, कितना यहाँ यहाँ पर कितना हुआ? अच्छा सॉरी सॉरी हाँ 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 तो यहाँ पर सॉरी सॉरी अप्रैल से लेकर के सितंबर कितना हुआ आपका? अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 हो गया। अब उसके बाद कितना हो गया आपका 2 × 6 कितना हो गया 12 और कितना हो गया 6 + 12 ठीक है 18 हो गया 1:6 ऐसा निकालना है सर जी। प्री एंड पोस्ट को टारगेट करना है, टर्नओवर कहां तक जा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आया समझ में आपको क्या निकालना है? तो अब आपका टर्नओवर रेशियो क्या बैठेगा बच्चों लोग 1:6। तो सर हम लोगों ने देख लिया ग्रॉस प्रॉफिट को हम बांटेंगे टर्नओवर के प्रोपोर्शन में। सर अगर टर्नओवर नहीं दिया है तो बोलता है आपको सीओजीएस दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है सीओजीएस के बेसिस पे, ये मैंने कहीं पे और बताया था, और सीओजीएस नहीं दिया तो टाइम के प्रोपोर्शन में बांटेंगे। वो पार्टनरशिप में हाँ पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन था तब बताया था एग्जैक्टली ठीक है। चलो देखो इधर अभी इधर आ जाओ तो आप बेटर अपोर्शनमेंट कैसे करेंगे तो जिससे आपका एकदम बेटर पिक्चर क्लियर होगा। तो बेटर क्या है मेरे लिए, ग्रॉथ प्रॉफिट को कौन से रेशियो बांटू, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे अपन? सर अगर शेयर रेशियो नहीं दिया तो किसको देंगे अपन? कौन सा प्रेफरेंस देंगे इसको? सर अगर नहीं दिया हुआ है तो सबसे लास्ट क्या है हमारे पास? कौन सा प्रेफरेंस? तो थर्ड प्रेफरेंस अपन देने वाले टाइम रेशियो। ये तो होगी ग्रॉथ प्रॉफिट की बात। अब बात आता है सर वेरिएबल एक्सपेंसेस। कौन सा एक्सपेंसेस? वेरिएबल जो जनरली सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के कई खर्चे होते हैं जो सेल के बेस पे होते हैं। किसके बेस पे होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका कैरिज आउटवर्ड होता है क्या, कार्टेज होता है क्या, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कमीशन टू सेलिंग एजेंट, जैसा सेल करेगा वैसा कमीशन लेगा। ठीक होमवर्क लिखो, कमीशन टू एजेंट मेरा जो है होमवर्क नंबर 1, कमीशन टू एजेंट का पूरा पोस्टमार्टम आप लोग कल होमवर्क के रूप में करके लाएंगे और मेरे को बताएंगे क्या होगा। यू आर ठीक, कमीशन टू एजेंट सॉरी, अब मेरे को नहीं मालूम मैंने जो आपको होमवर्क दिया वो आपको करना है बच्चों लोग, वो आपको बहुत दिक्कत करेगा, तो वो आप लोग पूरा पोस्टमार्टम करके आएंगे और प्रॉपर अप्रोच से। ठीक है प्रॉपर अप्रोच आपको बता चुका हूं क्या होता है। ठीक इसके बाद कमीशन टू सेलिंग एजेंट, ट्रेवलिंग एजेंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, बैड डेब्ट, ब्रोकरेज और सेल प्रमोशन, ये सब आपका कौन से रेशियो में जाना चाहिए? सेल के रेशियो में। कौन से रेशियो में? ठीक है उसके बाद बोलता है अपनी कंपनी में कई सारे एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, काय के खर्चे? वो फिक्स्ड होते हैं। क्या होते हैं? चंद्र देवी का सैलरी फिक्स्ड है, रेंट फिक्स्ड है, तो ये सब कौन से रेशियो में जाना चाहिए? तो फिक्स कॉमन चार्जेस, सेलिंग ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, रेंट रेट टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन टेलीग्राम, पोस्टेज, डेप्रिसिएशन और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कौन सा एक्सपेंसेस? तो जब भी क्वेश्चन में मिसलेनियस एक्सपेंसेस देगा क्या देगा? तो भैया साल भर का जो रेंट का खर्चा है वो तो प्रपोर्शन हो जाएगा, लेकिन गोडाउन का रेंट पूरा का पूरा कहां चल जाएगा? कंपनी में कहां चला जाएगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए परमेश थानवी का ये बिजनेस है राइट, और ये रेंटेड प्रमाइसेस में, तो ये तो पूरा उसके पास साल भर था ही, लेकिन जब कंपनी बना तो उसने एक ये गोडाउन भी ले लिया, तो इसका जो रेंट है इसका रेंट है क्या हो जाएगा? वो आपका टाइम के प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगा, प्री और पोस्ट में कैसे बढ़ जाएगा? और ये गोडाउन का खर्चा पूरा का पूरा कहां जाएगा बच्चों लोग? पोस्ट में। कब लिया वो? कंपनी बनने के बाद कब लिया? ये आपको प्रोपोर्शन करना आना चाहिए।
जब भी गोडाउन तभी गोडाउन है तो पूरे रेंट को तू प्री और पोस्ट में टाइम के प्रोपोर्शन बांटेगा। वो तो आसान है भाई, वो तो कुछ नहीं था, मेन था कि कंपनी बनने के बाद अगर गोडाउन गया तो क्या। देख मिसलेनियस एक्सपेंसेस अगर देगा तो तेरे को सिर्फ मिसलेनियस करके देगा, वो ट्रांसपोर्टेशन देगा तो अलग से देगा। अब मिसलेनियस के बारे में ज्यादा डिटेल है नहीं कि किस से रिलेटेड है, किसने बोल दिया बाई डिफॉल्ट टाइम वेस्ट बांध दो ज्यादा बेटर, क्योंकि हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा मिसलेनियस ज्यादा छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं, तो उसको सेल के रेशियो में तो बोल नहीं सकती है, प्रॉपर एपोर्शन नहीं हो सकता है, तो बैटर सुटेबल है क्या अपने पास। तो अपन ये मान सकते हैं ना प्रिंटिंग स्टेशनरी अगर यूज कर रहे हैं तो साल भर एक ऐसा खर्चा होगा कि इतना लग जाता है अपने को, तो बैटर है उसको टाइम के प्रोपोर्शन में अपोर्शन कर दे। इसका है? ठीक बेटा आ रहा है, सब आ रहे ठीक है। तो बच्चों लोग हम लोगों ने देखा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा कौन से रेशियो में जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सैलरी नहीं बेटा, ऐसा जोर से बोल रहा हूँ आज नहीं आ रहा है क्लियर, धीरे बोलो, बैटर कौन सा है। तो बच्चों लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा कहाँ जाएगा आपका, सेल रेशियो में, और एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंसेस कैसे अपोर्शन करेंगे, टाइम के रेशियो में करेंगे। ठीक है, अभी एक्सपेंसेस एक्सक्लूसिवली रिलेटिंग टू प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इंटरेस्ट ऑन वेंडर कैपिटल। अभी फॉर एग्जांपल के लिए हमारा भाई परमेश थानवी, क्या बोला परमेश थानवी जो था पहले कैसे था सर, प्रोप्राइटर था, उसका कैपिटल हमारी कंपनी भी क्या की उसको मे बी आगे कैरी फॉरवर्ड की, मे बी वहां पर क्या की कंपनी बनते था तो उसको सेटल करके वापस कर दी, तो हम क्या देते थे साथ में उसको इंटरेस्ट क्या देते थे। तो अगर कंपनी बनने के बाद आपने सेटलमेंट कर दिया तो वो प्री का, और कंपनी बनने के बाद सेटल किया तो प्री पोस्ट दोनों में जाएगा, क्योंकि कंपनी कैपिटल को यूज कर रही है, पेमेंट नहीं की टाइम से, आया समझ में। तो अगर बाई चांस मैं उसको कंपनी बनते ही सेटल कर दिया, उसका कैपिटल के बेटे में अपनी कंपनी का शेयर दे दिया व्हाटएवर जो भी, तो मेरे को इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, प्री में दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कंपनी बनने के बाद भी अभी सेटल नहीं किया, मेरे को टाइम लग रहा है, तो उसका इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, दोनों में, आया समझ में। तो इंटरेस्ट को आपको ऐसा अपोर्शन करना पड़ेगा, हाँ कंपनी का भी खर्चा रहेगा, फंड कंपनी यूज कर रही है। नेक्स्ट इसके बाद आता है बच्चों लोग, अभी आप लोग को ना थोड़ा सा बारीकी दिमाग को ओपन रखना पड़ेगा बस इस चैप्टर में, इस चैप्टर एक तो आपको अपोर्शन आपके ब्लड में मैं डाल दूंगा, अब दूसरा इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन को समझ के उसको टेक्निक को सॉल्व करना, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्टिंग से आराम से, हड़बड़ाना नहीं, वैसा सॉल्व करना जैसा मैं बताऊंगा, एकदम बच्चे के तरीके सॉल्व करना, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना। कई बार बच्चे सेल रेशियो और टाइम रेशियो निकालने में हड़बड़ी कर देते हैं और वहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है। अगर आपका सेल रेशियो टाइम रेशियो मतलब समझ जाओ आपका मैक्सिमम मार्क्स गया, क्योंकि मैक्सिमम खर्चा आपका सेल और टाइम के पोर्शन में बढ़ता है, तो उसको निकालने में बड़े थोड़ा टाइम देना आराम से। एक और दूसरा है आपको क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करके ट्रीटमेंट करना है। ठीक, जो प्रॉपर रीड कर लिया 100% उसको इस चैप्टर में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाला है, लेकिन जो बच्चा प्रॉपर रीड नहीं करेगा हड़बड़ी में करेगा तो उसको बहुत दिक्कत है। तो यहां पर बोलता है जो आपका प्री का खर्चा है पूरा का पूरा क्या करो आप प्री में डाल दो उसको, पोस्ट में जाने की जरूरत। आप कंपनी बनने के बाद कई सारे कंपनी के खर्चे होते हैं, जैसे डायरेक्टर को फीस देते हैं अपन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है, शेयर इशू के एक्सपेंसेस होते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर के जो खर्चे होते हैं वो सब किसको बिलोंग करते हैं, कंपनी को, किसको बिलोंग करते हैं, तो कहां जाएगा वो। इट मीन्स वॉट, अगर मेरी कंपनी से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा किससे रिलेटेड, वो कहां जाएगा पूरा का पूरा पोस्ट में जाएगा, एकदम क्लियर है, उसको प्री में डालने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ऑडिट फेस, क्या बोला ऑडिट फेस कहां जाएगा, क्यों प्रोवाइडरशिप पार्टनरशिप नहीं कराते, टर्नओवर ज्यादा होता है तो जानकारी नहीं कराते हैं, टैक्स ऑडिट होता है, चाहे प्रोवाइडर हो पार्टनरशिप हम हो, टर्नओवर क्रॉस कर दिया तो टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा बच्चे जी। और मैं अगर मेरी फॉर्म अच्छी है, प्रोबाइटरशिप फॉर्म है या पार्टनरशिप फॉर्म अच्छी है, मैं इंटरनल ऑडिट भी करा सकता हूं,
ठीक है, तो होमवर्क नंबर टू ऑडिट फीस का पोस्टमार्टम क्या है? सेक्शन 44 AD और AE और AF, एक व्हीकल का हो गया और एक जनरल हो गया, पूछे सर। हाँ, ऑडिट मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सेक्शन 44AA और 44AB, 44AA मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, AB ऑडिट, और E जो है वो ट्रांसपोर्ट, हाँ ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस का। हाँ चलो, आप अगर कंपनी से रिलेटेड खर्चा है जैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर कौन इशू करता है? कंपनी। डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर रेमुनरेशन, ठीक है, प्रीमियम एक्सपेंसेस, शेयर इशू, अंडरराइटिंग, कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटी, ये पूरा का पूरा कहा जाएगा बच्चों? चलो कंपनी में जाएगा, पोस्टिंग कॉर्पोरेशन में जाएगा, हॉस्पिटल में चेंज कराए, कोई बात नहीं। ऑडिट फीस आ गया सर, ऑडिट फीस अभी इसका पढ़ के बताता हूँ। अगर कंपनी ऑडिट बोला है, क्या बोला है तो क्लियर कहते हैं सर वो तो कंपनी में जाएगा, कहाँ जाएगा वो? फिर टैक्स ऑडिट बोलेगा तो कौन से रेशियो में बांटेंगे अपन, क्योंकि टैक्स ऑडिट तो टर्नओवर के बेसिस होता है। सर अगर सिर्फ ऑडिट फीस बोलो तो कैसे करेंगे? जो होमवर्क है वो होमवर्क है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन टू वेंडर, ठीक। तो फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्वाजिशन ऑफ बिजनेस टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रीमियम जाएगा, और फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चार्ट टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये आपको पहले बता चुका हूं, वेंडर को जब आप एंट्री देते हो तो पैसे आपको करना है, ठीक। और प्री इनकॉर्पोरेशन में फाइनली जो भी प्रॉफिट आएगा वो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व। और लॉस आएगा तो उसको लॉस टू प्री इनकॉर्पोरेशन या फिर गुडविल भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो? क्योंकि ये इस मतलब कंपनी बनने के पहले का जो भी है कैपिटल नेचर का है, तो जो भी बिजनेस किए वो कैपिटल नेचर का है, तो जो भी प्रॉफिट हुआ कंपनी के बुक में वो कैपिटल नेचर, क्योंकि कंपनी उस समय एग्जिस्टेंस में नहीं थी, तो उसके पहले का जो भी प्रॉफिट मिल गया तो कैपिटल नेचर का उसके लिए। तो फिर मैं कंपनी बनाऊं बंद करके, कंपनी मेरी हिस्सेदारी रहेगी ना, शेयर्स रहेगा ना, रहेगा ना, तो तेरा कंपनी बनने के पहले तक जो मिल रहा है, जो भी मिल रहा है तू तो काम किया नहीं, तेरी कंपनी काम नहीं की, प्रोप्राइटरशिप किया, तो कंपनी के लिए क्या होगा? कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है, और कैपिटल रिजर्व क्यों बना रहे? कैपिटल नहीं ऐड क्यों नहीं कर देते? हाँ, तो एक काम करेंगे, कंपनी में क्या होता है जैसे मान ले 20 शेयर होल्डर, तो सबके एक एक मिल जाते हैं, उठा उठा के बांट के ऐसा ऐड कर देते हैं, मेरे शेयर्स बना देते। तो अल्टीमेटली बेटा शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस दोनों मिला के नेटवर्क का पार्ट होता है, ओनर को बिलोंग करता है। तो अल्टीमेटली अगर तू देखेगा तो यहाँ पर वो सब प्रॉफिट आते हैं जो कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो, जी 100%, और वो ऑनर को ही बिलोंग करता है, जी। कैपिटल रिजर्व को अपन क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? फुली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के लिए, ठीक है, तो बोनस शेयर इशू करने के लिए फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसका यूज नहीं कर सकते। मैंने इतनी मेहनत करके अपना 100 रुपए का बिजनेस का प्रॉफिट लाया, जी, अब मैं जब कंपनी चालू कर रहा हूँ तो वो प्रॉफिट तो मुझको बिलोंग करता है ना। तो लेकिन तूने तो कंपनी बना लिया ना उसी बिजनेस को आगे जाके, तो अभी तो शेयर होल्डर तू ही है ना, अभी बाद में तू पब्लिक ऑफर लाएगा तो बात अलग है, अभी तो दो लगी है, कंपनी दो टाइप की होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, दो लोग लगे, हाँ, मिनिमम दो लोग होने चाहिए, तो दूसरे को फायदा मिल जाएगा कैपिटल रिजर्व का। तो तू एक काम करना, उसको सिर्फ अपने आप को बोनस शेयर इशू देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हाँ, फुली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के लिए कैपिटल रिजर्व तो यूज करना। अरे तुम लोग इधर आओ, टैक्स ठीक, अभी इधर ध्यान दो,
अब क्वेश्चन आ जाता है सर, सपोज मेरे को ना पहले क्या करना पड़ता है, ग्रॉस प्रॉफिट का पोर्शन करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, प्री और पोस्ट में मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट का पोर्शन करना है। उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ता है, लेस करना पड़ता है जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे, जितने भी डायरेक्ट खर्चे को माइनस करेंगे क्या, नहीं। अच्छा सर ऐसा तो कर सकते ना, सेल माइनस सीओजीएस, तो यहां पर क्या निकलेगा, तो किसी क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है। ठीक, कई बार मोस्टली आपको क्वेश्चन में क्या लेना है, जीपी लेके सॉल्व करना है मोस्टली। तो जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे उसको प्री और पोस्ट में क्या करना है, आपको पोर्शन करना है, क्या करना है क्लास, हाँ है ना, एक डेढ़ बजे। ठीक, आप अगर मान लो आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है, क्या दिया है, और ये सब सारे खर्चे दिए हुए, टोटल खर्चे दिए हुए कि आपका प्रोप्राइटरशिप और कंपनी मिलाकर टोटल कितने के एक्सपेंसेस हुए, करोगे क्या ट्रीटमेंट, जीपी कैसे आएगा, जीपी नहीं दिया ना अभी आपको, क्या दिया, नेट प्रॉफिट दिया और इनडायरेक्ट खर्चे दिए, वैसा करके फिर बनाना, ऐसे ही माइंड ओपन रखना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके करना है। और ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और आप इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा वो देख लो, आपको हमेशा एक ही फॉर्मेट रखना है, आपको सबसे पहला पर्टिकुलर करना है, उसके बाद बेसिस ऑफ एलोकेशन करना है, उसके बाद प्री पोस्ट करना है, और यहाँ पर टोटल ले लेना है, यहाँ पर क्या ले लेना है आपको, यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है। अगर जिसका मन करता नहीं सर मैं पहले लूंगा, कर लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसा कर लो, इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, बट बेसिस ऑफ एलोकेशन जरूर दे देना। अच्छा, यहाँ पर आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो, देखो सेल रेशियो 2:7, डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो 1:2, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक, चलो ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और बनाना है। तो पहले एक काम करो, आप लोग मेरे को सेल रेशियो और टाइम रेशियो लाके दो, तो द सेल पर मंथ इन फर्स्ट हाफ ईयर वर हाफ ऑफ व्हाट दे वर इन लेटर हाफ ईयर, हाँ बस अब निकाल ले, बताया था उस समय लगा बना, पहले चार्ट बना जैसे मैं बनाया था, अप्रैल से लेकर के पूरा मार्च तक बना, फिर 1 अगस्त को तेरी कंपनी बनी है, अप्रैल मई जून जुलाई, अभी 6 महीने की बात कर रहा है, प्री तक की बात नहीं कर रहा है। हाँ बोल, टाइम रेशियो, हाँ ठीक है, टाइम रेशियो नहीं निकला, क्या कर रहा था फिर, फॉर्मेट बना रहा है, हाँ पहले टाइम रेशियो निकालो फटाक से। चलो देखो इधर सेल रेशियो निकाल के दे रहा हूँ ना, अरे देखो इधर सेल रेशियो, देखो इधर भी बातें नहीं करो, इधर देखो सेल रेशियो, ए भाई लोग कैसे निकाला देखो, एकदम बच्चे का टाइप को बनाना, टेंशन नहीं लेना आराम से, ठीक है। ये अप्रैल में स्टार्ट हुआ क्या, अप्रैल मई, फिर क्या आएगा जून, फिर क्या आएगा जुलाई, फिर क्या आने वाला है, क्या करो यहाँ पर, ठीक है अगस्त, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, ठीक है। अब यहां पर अगर मान लो मेरा एक्स है, सेल कितना है, एक्स सिंगल है, तो यहां पर क्या हो जाएगा डबल, कब से, 6 महीने बाद, कब से होगा सर, यहां से डबल होगा, आया क्या समझ में, तो यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहां पर 2x × 6 चलेगा क्या, टोटल कितना हो गया, और ये 2 कितना हो गया, 14, टोटल मिला कितना हो गया आपका 14x, यहां पर कितना आएगा आपका 4x, आया क्या, 2 2 जा, ये 7 जा, तो कितना जाएगा आपका 2:2, तो यह क्या आ गया आपका सेल रेशियो। ऐसा ही ग्राउंड लेवल पे उतर के बनाना, कभी गलती नहीं होगी, आया समझ में। चलो अभी टाइम रेशियो देखेंगे बच्चे लोग, हम लोग क्या देखेंगे,
चलो टाइम रेशियो कैसे निकलेगा तो ध्यान देना। अभी क्या टाइम हो रहा है? अच्छा बस ये 5 मिनट फ्री होकर अपन बात करते हैं। चलो टाइम रेशियो कैसे निकालेंगे तो ध्यान देना बच्चों लोग। अभी यहाँ पर रनिंग बिजनेस ऑफ रामायण कंपनी विथ इफेक्ट कब से स्टार्ट हुआ? यहाँ पर 1 अप्रैल, ठीक है, और 1 अगस्त को क्या बन गई मेरी? ये 1 अगस्त को मेरी कंपनी बन गई, तो यहाँ पर क्या करने का? डंडी मारने का, ठीक है। अभी 1 अगस्त से लेकर कहां तक जाएगा मेरी कंपनी? 31 मार्च तक। अप्रैल मई जून जुलाई कितना महीना हुआ? 4 हुआ क्या? अप्रैल का पूरा लेंगे क्या? मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त का? अरे सर कैसे लेंगे, 1 अगस्त को कंपनी बन गई ना सर, कैसे लोगे आप अगस्त का? 1 अगस्त कहां से चले जाएगा आपका कंपनी में, कहां चल जाएगा? तो 1 अगस्त से 31 मार्च कितना महीना हो रहे? 8 महीना, साल का 12 महीना, 2+8 12 मंथ, और यहाँ पर 12 मंथ है, 15 दिन रहते तो बात अलग होती, ठीक। अभी यहाँ पर 4 1 4 2 तो कितना आ गया आपका? क्या बात है सर, ठीक है। तो हमारा टाइम रेशियो क्या हो गया? 1:2। आप क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? द नेट प्रॉफिट। ओहो हमको क्या चाहिए? क्या दिया हुआ है? कोई बात नहीं सर, सिंगल एंट्री बना के आ चुके, पूरा दिमाग चलता है। पास वर्कआउट आफ्टर चार्जिंग द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, तो ये आपके पूरे के पूरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या? ठीक है, अब आपको क्या निकालना पड़ेगा पहले? हाँ, एनपी में इसको क्या करोगे? खर्चे को जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर दो, क्या निकल आएगा? जीपी। जीपी को कौन से रेशो में बांटेंगे? डेप्रिसिएशन को टाइम के रेशो में जाएगा ना सर? हाँ, फिक्स खर्चे जो है कौन से रेशो में जाएगा? टाइम। डायरेक्टर फेज। डायरेक्टर कहां का होता है सर? कंपनी का कि प्रोवाइडर का? तो डायरेक्टर सिटिंग फेज, डायरेक्टर फेज कहां जाएगा? पोस्ट में जाएगा सर। ये प्रारंभिक के वह कंपनी के ऑफिस एक्सपेंसेस कहां जाएगा? ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा। रेशियो बटेगा तो सभी बटेगा। सेलिंग एक्सपेंसेस रेशियो, इंटरेस्ट टू वेंडर अप टू 31 अगस्त। तो 1 अगस्त को कंपनी बन गई थी, हाँ दोनों में छह का, हाँ तो उसके प्रोपोर्शन में पोर्शन कर देना। आई डोंट नो टाइम के प्रोपोर्शन में, एक्चुअल टाइम के प्रोपोर्शन में जाएगा, आप नहीं मालूम मेरे को। हाँ प्री को दोनों में जाएगा, पोस्ट में 1 महीने का जाएगा, इधर 4 महीने का जाएगा, ये 5 4 के पे जी 100% एक्चुअल टाइम प्रोपोर्शन बोलते हैं उसको। एक अभी इधर तो बच्चों, अब ये आंसर कितने लोगों का आ गया है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, किसी को डाउट नहीं है तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। और मिस्टर आप आ जाइए।